गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैं चैप्टर 11 पढ़ाऊंगी, द ग्रेट बिग टर्निप। ये क्लास 2 की बुक है, ट्री टॉप, अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इन इंग्लिश। ग्रेट द ग्रेट बिग टर्निप मीन्स एक बहुत बड़ा शलजम। नाउ रीड द स्टोरी ऑफ अ लिटिल माउस हु हेल्प्ड पुल आउट अ बिग टर्निप। आज हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे, एक छोटा सा चूहा जो टर्निप को बाहर निकालने में मदद करता है। वंस देयर वाज अ फार्मर, हिज नेम वाज बीन। एक बार एक किसान रहता था जिसका नाम बेन था। हिज नेम वाज बीन, उसका नाम बेन था। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ, वो अपने पत्नी के साथ रहता था जिसका नाम बेकी था। जिसका नाम क्या था? बेकी। एंड सन निक, और बेटे का नाम क्या था? निक था। द थ्री लिव्ड इन अ लिटिल येलो हाउस, तीनों एक पीले से घर में रहते थे। तीनों, माँ, बेटा और उसका पति, यानी कि पति का नाम बेन था, बीवी का नाम बेकी था और बेटे का नाम क्या था? निक था। तीनों एक साथ येलो घर में रहते थे। नियर द येलो हाउस वाज अ लिटिल गार्डन, और येलो जो घर था उसके नजदीक एक छोटा सा गार्डन था। लिटिल गार्डन था। इन द गार्डन दे ग्रू टर्निप्स, और गार्डन में वे लोग क्या उगाते थे? टर्निप उगाते थे। वन ऑफ द टर्निप ग्रू एंड ग्रू, एक टर्निप जो बढ़ता चला गया और बढ़ा, मतलब बढ़ बढ़ के बड़ा हो गया। वन डे दे डिसाइडेड टू कुक द बिग टर्निप, बिग पर्पल टर्निप। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि आज खाने में बड़ा सा मतलब शलजम बनाएंगे। बेन हेल्ड द थिक स्टेम ऑफ द वेजिटेबल एंड पुल्ड। बेन ने क्या किया, जो बेन ने क्या किया कि बेन हेल्ड द थिक स्टेम ऑफ द वेजिटेबल एंड पुल्ड। बेन ने एक मोटा स्टेम पकड़ लिया उस सब्जी का और उसे पुल्ड किया, उसे खींचना स्टार्ट कर दिया, उसे दबाना स्टार्ट कर दिया। द टर्निप डिडेंट मूव। टर्निप तो बड़ा था, टर्निप जब बेन ने टर्निप को पुल्ड किया तो वो जरा सा भी मूव नहीं किया, जरा सा भी नहीं हिला। देन बेन कॉल्ड बेकी, वाइफ को बुलाया। बोथ ऑफ देम ट्राइड टू पुल इट आउट टुगेदर। अब दोनों ने मिलकर के पूरा कोशिश किया कि वो टर्निप को बाहर निकाल लिया जाए। दोनों ने एक साथ मिलकर खूब ट्राई किया लेकिन नहीं निकला। बट द टर्निप रिमेंट स्टक इन द ग्राउंड, लेकिन टर्निप जो है अंदर में एकदम फंसा हुआ था जमीन के अंदर, वो एकदम जरा सा टस से मस नहीं हुआ, हिला तक नहीं। अ लिटिल माउस पासिंग बाय सेड आई कैन पुल आउट द टर्निप। एक छोटा सा माउस, एक छोटा सा चूहा पास कर रहा था, उसने कहा आई कैन पुल आउट द टर्निप, मैं एक इस बड़े शलजम को बाहर निकाल सकता हूँ। बेन सेड नो थैंक यू, यू आर टू स्मॉल। बेन ने कहा नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत छोटे हैं, मतलब आप छोटे हैं, इस बिग टर्निप को आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लेट्स कॉल निक, चलो निक को हम लोग बुलाते हैं। निक जो इसका बेटा था, ही कैन हेल्प, वो मदद कर सकता है, सेड बेकी। बेकी ने ये बात कही कि निक जो है हेल्प कर सकता है, उसे बुलाया जाए। बेन पुल्ड द टर्निप, बेकी पुल्ड द बेन, निक पुल्ड द पुल हिज मदर। अब क्या हुआ कि ये बेन जो है इस टर्निप, इस स्टेम को खींच रहा है, और ये जो इसकी वाइफ है बेकी, इसको खींच रही है, और इसका बेटा बेकी को खींच रहा है। तो ये तीनों मिलकर के पूरी कोशिश कर रहे हैं इस टर्निप को बाहर निकालने की, लेकिन टर्निप जो है
वो एकदम टस से मस नहीं हो रहा, वो हिल भी नहीं रहा है क्योंकि ये बिग टर्निप था। उसके बाद क्या होता है, टुगेदर दे ऑल पुल्ड द टर्निप, ये तीनों मिल करके खूब उस टर्निप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बट द टर्निप वुड नॉट मूव, लेकिन जरा सा भी ये जो टर्निप है मूव नहीं किया और एकदम हिला तक नहीं। आई कॉल माई फ्रेंड शैली, सी कैन हेल्प, सेड निक। निक कॉल शैली, निक ने कहा कि जिसका नाम शैली है, शैली जो है वो हमारी मदद कर सकती है। ऐसा किसने कहा, निक ने कहा। निक कॉल्ड शैली, शैली उसकी दोस्त थी और निक की, और निक कह रहा है कि वो हम लोग की मदद कर सकती है, इसलिए शैली को बुलाया गया। दे ऑल फॉर्म्ड अ लाइन एंड पुल्ड हार्ड, स्टिल द टर्निप डिड नॉट कम आउट। वे लोग एकदम एक लाइन में एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, बट टर्निप जो है फिर भी बाहर नहीं निकला। आई थिंक माई डॉग स्पॉटी कैन हेल्प, सेड शैली। शैली ने बोला कि आई थिंक मेरा डॉग जो है वो मदद कर सकता है, जिसका नाम स्पॉटी है। शी कॉल्ड स्पॉटी, उसकी दोस्त का क्या नाम था, शैली था। शैली बोल रही है कि शैली ने अपने डॉग स्पॉटी को बुलाया। एवरी वन पुल्ड हार्ड बट द टर्निप स्टेड आउट, यानी कि सभी लोगों ने मिल करके बहुत ताकत लगा करके टर्निप को उखाड़ने की कोशिश की, बट टर्निप जो है जरा सा भी मूव नहीं किया, जरा सा भी स्टेड आउट, यानी कि जरा सा भी मूव नहीं किया, जरा सा भी हिला नहीं। आई थिंक किट्टी माई फ्रेंड कैन हेल्प, सेड स्पॉटी। अब बोल रहा है, स्पॉटी रैन टू फाइंड किट्टी। अब स्पॉटी ने कहा कि मेरा आई थिंक किट्टी जो है वो हमारी मदद कर सकती है, और स्पॉटी रैन टू फाइंड किट्टी। अब स्पॉटी ने दौड़ा और किट्टी को बुलाकर के मतलब लाया। टुगेदर दे ऑल ट्राई टू पुल दैट टर्निप फ्रॉम द ग्राउंड, और सभी लोग एक साथ फिर से मिल करके टर्निप को बाहर निकालने की, जमीन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दे कुड नॉट पुल इट आउट, यानी कि ये लोग मिल करके भी इस टर्निप को बाहर नहीं निकाल पाए। एकदम टर्निप मतलब जमीन में फंसा है और वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, और इन लोग से इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये लोग टर्निप को बाहर नहीं निकाल पाए। द लिटिल माउस वॉज वॉचिंग दिस, और छोटा सा जो चूहा था वो सारी चीजें देख रहा था। ही क्लैप्ड एंड सेड, और उसने तालियां बजाई और कहा, आई हेल्प, मैं मदद करूंगा। सो द माउस हेल्ड ऑन टू किट्टी। अब इसलिए माउस ने क्या किट्टी को पकड़ा, किट्टी हेल्ड ऑन स्पॉटी, और किट्टी ने किसको पकड़ा, स्पॉटी को। स्पॉटी हेल्ड टू हेल्ड ऑन टू शैली, और स्पॉटी ने क्या किसको पकड़ा, शैली को। शैली हेल्ड ऑन टू निक, और शैली ने किसको पकड़ा, निक को। निक हेल्ड ऑन टू बेकी, निक ने होल्ड किसको किया, बेकी को, और बेकी पुल्ड बेन, और बेकी ने पुल्ड किसको किया, बेन को, और बेन पुल्ड द टर्निप, और बेन ने टर्निप को, यानी कि सब ने मिल करके निकालने की कोशिश की। टुगेदर दे ऑल पुल्ड, और सभी लोग एक साथ मिल करके उस टर्निप को पुल्ड किया, निकालने की कोशिश की। किट्टी को पकड़ा किट्टी ने, स्पॉटी को, स्पॉटी ने शैली को, शैली ने निक को, और निक ने बेकी को, और बेकी ने बेन को, और बेन ने इस टर्निप को। इस तरह से सब मिल करके इस टर्निप को पुल किए। पॉप पॉप आउट केम द टर्निप, इट फ्लू इनटू द एयर। एकदम कड़ाके से, एकदम जल्दी सी जो टर्निप है वो बाहर निकल गया और हवा में एकदम फ्लू किया। एवरी वन थम्बलेड बैकवर्ड्स, सभी लोग एक दूसरे पर गिर गए और पीछे हट गए। सी सेट द माउस, आई टोल्ड यू आई कुड डू इट, देखो मैंने कहा था कि मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। तो इस तरह एक बड़ा सा टर्निप बाहर निकल जाता है।
सब लोगों की मदद की वजह से, ताकत की वजह से ये टर्निप बाहर निकल जाता है। बच्चों आई होप ये स्टोरी आप लोग को पसंद आई होगी।